Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Srila Prabhupada. Yehi Shishya ka kartavya hai Shri Guru ke charan par pranam karna. वैदिक संस्कृति में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है श्री गुरु के चरण में शरण लाना, सद्गुरु के चरण में. और सद्गुरु का क्या मतलब? गुरु सत होना चाहिए. अगर सत नहीं है तो कैसे गुरु हो सकते? तो क्यों सद्गुरु बोलते? सद्गुरु बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु तो साथ ही है. लेकिन ऐसे होते हैं कि बहुत ढोंगी है, साधु वस्त्र पहन के बहुत दूसरे प्रकार के व्यक्ति है. तो इसलिए आसक्त तथा कथित गुरु से वास्तविक सद्गुरु का भेदाभेद करने के लिए वो सद्गुरु बनना है. तो सद्गुरु कौन है? शास्त्र में यही लिखा है कि अवैष्णव मुखोद्गीनम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सापोचिष्ट यथा भयम्. कि कोई अवैष्णव गुरु नहीं हो सकते. तो हरि कथा बोल के भी, हरि का नाम बोल के भी अगर हृदय में वास्तविक भक्ति भावना नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति सदकथा कृष्ण कथा नहीं बोल सकते. वो क्या है? वो जैसे दूध. दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए दूध का दूसरा नाम है अमृत. अमृत का मतलब जिससे मरण नहीं होते. तो गाय का दूध पीने से इतना सा उपकार होते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत अच्छा होते हैं. लेकिन अगर एक ग्लास दूध से
एक सांप थोड़ा सा दूध पीते हैं, वो उच्छिष्ट सांप, सांप जो नहीं खाते वो सांप का उच्छिष्ट बोलते हैं, और उसमें वो सांप का विष है, तो एक ही दूध होते हैं, तो जैसे दूध देखते हैं और वो ही दूध है, लेकिन उसमें सांप का विष है, तो उसको पीने से शरीर का उपकार नहीं होते है, तो सर्वनाश होते है। तो वैसे भी अगर हम हरि कथा सुनते हैं साधु का वेश में असाधु से, तो क्या होगा, तो आध्यात्मिक उपकार नहीं होगा, सर्वनाश होगा। और शास्त्र में भी लिखे कि सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव श्व पच गुरु। गुरु का क्या मतलब, गुरु वे है जो हमको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, वेद शास्त्र से मिलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हम सब सवस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव च अहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ अंतर्यामी रूप में, और मेरे से ज्ञान अज्ञान स्मृति विस्मृति आते हैं, मैं समस्त वैदिक शास्त्रों का मूल विषय हूँ, मैं वेद कार्ता हूँ, और मैं वेदांत का गंभीर तात्पर्य जानता हूँ। तो वेद शास्त्र का मूल विषय है कृष्ण, और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले कृष्ण के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, अर्थात गुरु वैष्णव होना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति कर्मकांड में और वेद शास्त्र में बहुत निपुण होते फिर भी वे वैष्णव नहीं होते हैं, उसका अधिकार नहीं है गुरु होना, क्योंकि गुरु का मतलब जो परम सत्य का व्याख्या करते हैं, और अगर वे भी भ्रमित होते हैं परम सत्य ज्ञान के बारे में, तो कैसे दूसरों को परम सत्य बता सकते हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए मंत्र तंत्र विशार मंत्र तंत्र सभी में निपुण होने के भी अगर वैष्णव नहीं हो तो सद्गुरु नहीं हो सकते। और एक व्यक्ति अगर श्वपच, इसका मतलब श्व का मतलब कुत्ता, और पच जो पाक करते हैं, जो रसोई करते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कुत्ता का मांस करते हैं, तो कितने नीच होते हैं ऐसे। तो एक व्यक्ति अगर ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, स्वपाच चंडाल जो बोलते हैं, लेकिन वो वैष्णव होते हैं, अगर वैष्णव बन जाते हैं तो जरूर वो स्वपाच नहीं होते हैं, वो सब नीचाचा जो किया था सब वर्जन करते हैं। तो नीच कुल जन्म लेने के भी अगर एक व्यक्ति शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो वो व्यक्ति गुरु होते हैं, गुरु होना चाहिए। गुरु का मतलब वैष्णव, और मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मैं परम वैष्णव महाभागवत वैष्णव श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्री चरण पर शरण लेने का अवसर मिला इनकी कृपा से। वे अकेले पाश्चात्य देशों में आए थे, और पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण कथा भगवद गीता कथा श्रीमद् भागवत कथा हमको बताया है, और इनकी श्रद्धा देखने से, इनकी पूरी भक्ति देखने से, मैं और मेरे जैसे बहुत पाश्चात्य
के लोग बहुत प्रभावित हुए और हमारे पूरे जीवन, पहले जीवन जिसमें पूरा पाप, अज्ञान, नीचाचार वो सब जो था, तो श्रील प्रभुपाद का प्रभाव से हम सब कुछ छोड़ दिए और हम बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि अभी अवसर मिले श्रील प्रभुपाद के श्री चरण में हम भक्ति कर सकते। तो सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है वास्तविक गुरु के श्री चरण में शरण लेना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, और सभी प्रकार के धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरणों में शरण लो, क्योंकि कृष्ण है शरण देने वाले। कृष्ण के अलावा कौन हमको शरण दे सकते? बहुत देवता है, लेकिन वे भी श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते, इसलिए वे देवता होते हैं, इतना बड़ा पद होते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो भगवान श्री कृष्ण शरण देने वाले हैं। और कैसे पतित बद्ध जीवों को शरण देते हैं? तो इनके शुद्ध भक्तों के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्णा कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मतलब वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है और श्री कृष्ण के तरफ से पतित जीवों को शरण देते हैं। कैसे शरण देते हैं? तो सदगुरु कहते हैं श्री कृष्ण के चरण में शरण लो, कभी भी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसे असाद ढोंगी गुरु ऐसे बोलते कि गुरु और ईश्वर अभिन्न है, अभिन्न है एक परिप्रेक्ष्य में कि क्योंकि गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रिय प्रतिनिधि है, इसलिए वो सब कुछ जो हम सदगुरु के श्रीमुख से सुनते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सुनने से जैसे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया सर्वधर्मान् परित्यज्य और पूरा गीता उपदेश। और यदि हम सदगुरु के श्रीमुख से गीता उपदेश सुनते हैं तो एक ही आशा होगा, अर्जुन जैसे श्री कृष्ण से सुने हम एकदम वैसे आशा मिलेंगे, अर्थात हम कृष्ण भक्ति मिलेंगे, हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। अगर हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि शुद्ध वैष्णव सद्गुरु के श्रीमुख सुनेंगे तो इस प्रकार श्री गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न होते हैं कि प्रतिनिधि है और भगवान कृष्ण जैसे सद उपदेश देते हैं। लेकिन गुरु कभी भी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, मैं कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ और आप भी भगवान के दास हैं, हम सभी दास हैं, ईश्वर एक है। ईश्वर का मतलब जो परम है, परम का मतलब असमूर्धवा, कोई भगवान के समान नहीं है, कोई भगवान के ऊपर नहीं है। अगर कोई भगवान के समान होते तो वे भगवान नहीं होते। तो भगवान का मतलब परम और सब दूसरे भगवान के अधीन होते हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, चैतन्य महाप्रभु का वचन में वो सभी जीव भगवान कृष्ण का दास है। और सद्गुरु का उपदेश यही है कि कृष्ण भगवान है और हम सब इनके सेवक है। गुरु भी कृष्ण के सेवक है, लेकिन क्योंकि वे श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त है और क्योंकि हम जो इनके चरण में शरण लेते हैं,
हम नवीन भक्त हैं, वे प्रवीण हम नवीन हैं। तो इसलिए गुरु के चरण में प्रणाम करना है, इनको भगवान जैसे सम्मान देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गुरु को सम्मान करना है तो भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। और ऐसे हम सीखते हैं कैसे भगवान को सम्मान दें। अभी इस भौतिक वास्तव में हम भगवान से दूर होते, हम भगवान के पास है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सबके हृदय में है, लेकिन भावना से हम भगवान से बहुत दूर होते हैं। ईश्वर हम अहम भोगी, हम ऐसे सोचते कि कृष्णा ईश्वर नहीं है, कृष्णा भोगी नहीं है, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है, मैं ईश्वर हूँ। तो ऐसी भावना से, असुरिक भावना से हम भगवान से कृष्ण से बहुत दूर रहते हैं। और गुरु का कार्य है हमको लेके, हमको प्रशिक्षा देने से भगवान श्री कृष्ण के पास लाना। लेकिन हम कृष्ण के पास नहीं आ सकते अगर ऐसी भावना होते हैं कि कृष्ण तो भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। तो इसलिए उस सभी डिटेल्स में गुरु से सीखना है कैसे श्री कृष्ण की भक्ति करना है। तो कैसे माला करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए श्रील प्रभुपाद का जाप माला है, भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं करते हैं और हमको सिखाते हैं कैसे करना, किस लिए करना, और हरि नाम करने से क्या फायदा होगा, हरि नाम नहीं करने से क्या दोष होगा। यही आचार्य शब्द का मतलब है, आचिनोति या शास्त्राणि आचार्य स्थापयात्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य वे है जो शास्त्र ज्ञान जानते हैं, स्वयं भक्ति आचरण पालन करते हैं शास्त्र विधि के अनुसार, और दूसरों को सिखाते हैं भक्ति आचार, भक्ति आचरण और भक्ति शास्त्र, भक्ति दर्शन शास्त्र से। तो वही आचार्य है, आचार्य का यही ये शब्द का यही मतलब है। तो ऐसा समझना चाहिए कि सबका कर्तव्य है गुरु के चरण में शरण लेना। लेकिन कौन आचार्य है, किस लिए शरण लेना है, तो गुरु के चरण में शरण लेना इतना हल्का विषय नहीं है, बहुत ही गहरा है। तो ऐसा है, बहुत हिंदू है, बहुत व्यक्ति है जो पंडाल प्रोग्राम जाके एक साधु के से दीक्षा लेते हैं, लेकिन वो दीक्षा का कोई विशेष अर्थ नहीं है, तो खाली खेते हुई गुरु का तस्वीर घर में रखना है और पूजा करना है। लेकिन वो सब करना चाहिए, गुरु को सम्मान देना, इनकी पूजा करना, तो ये सब वैदिक संस्कृति है। लेकिन किस लिए गुरु की पूजा करना है, गुरु की सेवा करना है, क्योंकि गुरु हमको शिक्षा देते हैं कैसे हम इस भौतिक स्थिति पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, भौतिक स्थिति अर्थात पुनर्जन्म होते हैं, फिर पुनर्मृत्यु होते हैं, बार बार जननी का जठर फेत में प्रवेश करना है। तो इस जन्म मृत्यु चक्र से हमको उद्धार
देते हैं, तो वही गुरु है। तो कैसे हमको उद्धार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जो मुक्तिदाता है, मुकुंद, इनकी सेवा करने से। तो इसलिए गुरु की सेवा करना है। और वास्तव में गुरु के परम भेद खाली मुक्ति करवाना नहीं, तो हमको परम भक्ति सिखाते हैं। तो इसलिए गुरु सेवा करना चाहिए। तो कौन गुरु है तो पहले समझना चाहिए। तो बहुत ऐसे गुरु है, लेकिन वास्तविक गुरु है जो जानते हैं शास्त्र का सार क्या है। क्या है कि कृष्ण है भगवान। भगवान शब्द का क्या मतलब है और कैसे कृष्ण भगवान है और कैसे इनकी सेवा करना, कैसे भक्ति करना है। तो कि कृष्ण भगवान है ये बात बहुत ही सरल है, लेकिन कैसे भगवान है और कैसे इनकी सेवा करना, तो ये विषय बहुत बड़ा है। और इसलिए सब डिटेल्स सीखना चाहिए गुरु से। लेकिन गुरु तो खाली शिक्षक नहीं है और खाली हम मुंह से नहीं सिखाते हैं, लेकिन स्वयं इनके खुद के जीवन में ये सब भक्ति सदाचार पालन करते हैं। और गुरु कौन है? भक्ति परेश अनुभावो विरक्ति रन्यत्र। वो भक्त है और भक्ति का मतलब परेश अर्थात भगवान परमेश्वर, परेश अनुभाव, जो खुद का जीवन भगवान का अनुभव करते हैं। तो खाली बोलते नहीं, लेकिन खुद का जीवन में कृष्ण के साथ रहते हैं। और क्या परीक्षा है? सब बोल सकते हाँ 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 मैं भगवान के साथ नहीं हूँ, मैं भगवान के देखता हूँ, लेकिन परीक्षा होते हैं विराक्तिर अन्यत्र। तो सद्गुरु है जिनकी कोई रुचि नहीं है दूसरा विषय में, तो रुचि खाली कृष्ण भक्ति में होती है, कोई दूसरी रुचि नहीं होती है। तो वही गुरु है। और स्वयं आचरत है अस्माद, तो खुद का जीवन में सब कुछ जो शिष्यों को सिखाते हैं तो स्वयं पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए थे कि अगर बाप स्मोकिंग करते हैं और बेटे को बोलते हो तुम सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, तो लेकिन स्वयं सिगरेट पीते हैं, तो कैसे ही सिखाएगा? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तिरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। गीता में श्री कृष्ण एक व्यवहारिक उपदेश देते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति या बड़े व्यक्ति जो करते हैं तो छोटे लोग या इनके अधीन उसको पालन करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति स्मोकिंग मत करो बोलते हैं लेकिन स्वयं स्मोकिंग करते हैं, तो बेटा जो उसको बोलते हैं स्मोकिंग नहीं करना, तो जरूर स्मोकिंग करेगा, क्योंकि देखते हैं कि जो बोलते हैं उसमें उसका विश्वास नहीं है। मेरा बाप बोलते हैं स्मोकिंग मत करो लेकिन स्वयं करते हैं। तो गुरु जो बोलते हैं उसको पालन करना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए गुरु क्या करते हैं। और अगर गुरु खाली मुंह से ही बोलते हैं भक्ति करो लेकिन खुद नहीं करते हैं, तो कैसे हम भक्ति सीखेंगे? अगर उसकी गुरु की पूरी निष्ठा नहीं होती है भक्ति में, अगर केवल स्कूल का शिक्षक जैसे कुछ पैसा मिलने के लिए और पैसा प्राप्त करने के लिए वो सब
शिक्षा देते हैं, तो कैसे हमको सिखाते? गुरु का मतलब जो भगवान का प्रिय प्रतिनिधि है, और हम देख सकते हैं तो कैसे एक व्यक्ति उसका जीवन पूरा तन्मय होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो ऐसे हम जो पाश्चात्य जगत में श्रील प्रभुपाद के चरण में शरण मिले, तो हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें बहुत बहुत ऐसे बोलने वाले देखते थे कि परम सत्य को मानो, भगवान को मानो, गॉड को मानो, लेकिन उससे कुछ प्रभाव नहीं हुए क्योंकि हमें देखा कि वो खाली मुंह से ही बोलते, लेकिन व्यवहार और आचरण अलग था। लेकिन श्रील प्रभुपाद का जीवन का आदर्श से हमारी श्रद्धा हुई कि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में है और हमको ये कहते हैं, तो कैसे हम शुद्ध कृष्ण भक्ति हो सकते? प्रभुपाद हमको बताए, हरे कृष्ण बोलो, माला करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और प्रभुपाद स्वयं किए, प्रभुपाद हमको बताया 24 घंटे में खाली कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण का सेवन करो, खाली कृष्ण के बारे में बात करो। और श्रील प्रभुपाद स्वयं किए, तो ऐसे हम प्रेरणा मिले और व्यवहारिक उपदेश मिले, तो कैसे हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? तो ऐसे सद्गुरु के चरण में शरण लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जैसे इतना महान महान महाभागवत का संग प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत बहुत जन्मों में ऐसे संग प्राप्त करना बहुत बहुत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी तक इनके शिष्यों पूरा दुनिया के लोग को एक ही उपदेश देते हैं जो श्रील प्रभुपाद हमको दिया, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करो, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय प्रतिनिधियों के द्वारा। तो यही गुरु शिष्य संबंध है, केंद्र है कृष्ण और गुरु के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।